रोंडा राउजी के बैकस्टेज हुए दर्शन, एक्टर रणवीर सिंह को मिली ब्रॉक लेसनर की तरफ से धमकी और स्मैकडाउन के ऑफ एयर होने के बाद क्या कुछ हुआ जानेंगे आज की स्पीड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की स्मैकडाउन लाइव काफी अच्छी थी, जिसके अंदर हमने मेन इवेंट में सेथ और कोफी किंगस्टन को एक साथ देखा। लेकिन बात कर ली जाए कि स्मैकडाउन लाइव के खत्म होने के बाद यानी कि ऑफ एयर जाने के बाद क्या कुछ हुआ के ऊपर, तो गाइज ऑफ एयर होने के बाद हमें मुस्तफा अली एक्शन में देखने को मिले हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, दरअसल अली को मेन शो के अंदर कोई भी रोल नहीं दिया गया, लेकिन ऑफ एयर होने के बाद हमें उनका एक तगड़ा डार्क मैच देखने को मिला है। और ये जो मैच था ये था फॉर्मर क्रूजरवेट चैंपियन यानी कि बड़ी मर्फी के खिलाफ, और इसके अंदर मुस्तफा अली की जीत हुई। मैच काफी बेहतरीन बताया जा रहा है, तो अली जीते स्मैकडाउन लाइव के बाद काफी अच्छी चीज रही। लेकिन बात कर ली जाए और क्या कुछ बड़ा आज के दिन हमें देखने को मिला है, तो गाइज आज एक्टर रणवीर सिंह को मिल गई है धमकी ब्रॉक लेसनर की तरफ से। क्या कुछ हुआ डिटेल में बताता हूं। दरअसल आप सब लोग जानते हैं कि अभी पीछे जैसे जो रणवीर सिंह है वो मैच देखने गए थे भारत और पाकिस्तान का। ये क्रिकेट मैच दोस्तों वर्ल्ड कप का हिस्सा है, आपने भी देखा होगा, जिसके अंदर इंडिया की जीत हुई थी। वहां आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि रणवीर सिंह फोटोज काफी ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। वहां रणवीर सिंह ने दोस्तों काफी क्रिकेट के सुपरस्टार्स के साथ फोटोज क्लिक की है, और एक फोटो ऐसी रही जो कि उन्होंने क्लिक की हार्दिक पांड्या के साथ। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वो हार्दिक पांड्या के साथ है। पिक्चर में दोस्तों कुछ भी विवादास्पद नहीं था, लेकिन दोस्तों कैप्शन थोड़ा सा ऐसा था कि पॉल हेमन की इस पर नजर पड़ गई। तो कैप्शन में क्या था दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं। कैप्शन में लिखा हुआ था ईट स्लीप डोमिनेटर रिपीट। तो आप जानते हैं किसका कैच फ्रेज है, ऑब्वियसली ये ब्रॉक का कैच फ्रेज है। ब्रॉक काफी समय पहले से इसका यूज करते आ रहे हैं, और सेम ट्वीट दोस्तों देख लिया पॉल हेमन ने। पॉल हेमन को आ गया गुस्सा, पॉल हेमन ने ट्वीट के नीचे रिट्वीट कर दिया, और उसमें दोस्तों पॉल ने क्या लिखा था वो मैं आपको दिखाता भी हूं और बताता भी हूं। दरअसल पॉल ने लिखा, रणवीर सिंह आर यू फकिंग किडिंग मी, ये जो कैच फ्रेज है ये मेरे क्लाइंट यानी कि ब्रॉक लेसनर का है, और ये उन्हीं का कॉपीराइटेड है, यानी कि ये प्रॉपर्टी है ब्रॉक लेसनर की और इसे तुम यूज नहीं कर सकते। तो एक तरीके से उन्होंने धमकी दे दी, हालांकि पॉल हेमन ऐसा पहले भी कर चुके हैं तो सभी जानते हैं। यहां दोस्तों उन्होंने मजाक किया, लेकिन रणवीर सिंह अब जान गए होंगे कि वाकई में किसका डायलॉग है। तो दोस्तों काफी अच्छी चीज देखने को मिली, काफी मजेदार चीज देखने को मिली पॉल हेमन की तरफ से। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं आज की मेन खबर की, जो कि जुड़ी हुई है रोंडा राउजी से। तो सवाल भी काफी लोगों ने पूछा था और आज इसी के ऊपर न्यूज हम कवर करने वाले हैं। रोंडा राउजी को देखा गया है स्मैकडाउन लाइव के बैकस्टेज। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, रोंडा आज अपनी मित्रों के साथ यानी कि फोर हॉर्स वमन के साथ आ रखी थी स्मैकडाउन लाइव के बैकस्टेज। अब फोर हॉर्स वमन कौन है वो मैं आपको बताता हूं। ये कुछ MMA की लड़कियां हैं दोस्तों, जो कि NXT में काफी ज्यादा एक्टिव है। शेना बेजलर के साथ ये दोनों देखने को मिलती है, और चौथी है आपकी रोंडा राउजी। और ये चारों दोस्तों हैंग आउट करी थी स्मैकडाउन लाइव के बैकस्टेज, और ये चीज हमें कैसे पता चली वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल फोर हॉर्स वमन में एक ऐसी रेसलर है जिसे कोई नहीं जानता है, लिटरली कोई नहीं जानता, उसका नाम है मरीना। उसने दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली है जिसके अंदर रोंडा राउजी उनके साथ है, और उसके अंदर वो बात भी कर रही है कि वो कहाँ है। और हमें देखने को भी मिल रहा है कि वहां शेना बेजलर भी उनके साथ है। शेना बेजलर दोस्तों NXT की वुमन चैंप है, और चारों मिलकर दोस्तों खुलेआम घूम रही है। साफ है दोस्तों कि रोंडा राउजी आज की स्मैकडाउन लाइव के बैकस्टेज थी, और वहां दोस्तों प्रोबेबली वो अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने आ रखी होंगी, या फिर दोस्तों वो सिर्फ घूमने आ रखी थी। वहीं बात की जाए WWE और रोंडा राउजी के संबंधों की, तो वो काफी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि संबंध बिगड़ चुके हैं, संबंध काफी अच्छे हैं। और रोंडा ने दोस्तों WWE से छुट्टी ले रखी है, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्यों ले रखी है। दरअसल वो अपने पति के साथ 2-3 होना चाहती है। और बात की जाए रोंडा के रिटर्न की, तो गाइस वो आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा जैसी रिपोर्ट्स है। पर दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।